हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस ईद में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। पहला अजय देवगन की मैदान, जो ईद से एक दिन पहले रिलीज हुई, और ईद के दिन बड़े मियां छोटे मियां रिलीज की गई। सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई दोनों फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी और बिगेस्ट ब्लॉकबास्टर फिल्म होगी, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये दोनों में से कोई एक फिल्म भी हिट हो जाएगी। नहीं होगी। मैदान, जहां सबको पता था कि ये एक खेल पे आधारित फिल्म होने वाली है, तो कहानी तो भाई सब लोग जान ही गए थे पहले ही, या गूगल पे जाकर के सब लोग कहानी के बारे में पता पहले से कर चुके थे, तो सिर्फ विजुअल देखने के लिए लोग क्या ही जाता फिल्म देखने के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि भाई अगर अजय देवगन की एक्टिंग देखनी है तो लोग जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वही उम्मीद थी हमारे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से। इन दोनों ने जो किया है ना इस फिल्म में, मतलब सब लोग सोच रहे थे कि चलो एक्टिंग टाइगर श्रॉफ से तो नहीं संभव है, अक्षय कुमार ही संभाल ले एक्टिंग के मामले को, लेकिन भाई उन्होंने कुछ संभाला नहीं है, गड़बड़ी हुआ है। आपको सर दर्द की गोली लेकर के जाना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए। गोलियों की इतने आवाज इसमें है ना, धर 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 धर, इधर गोली चल रही है, इधर बम फूट रहे हैं, इधर गाड़ियां उड़ रही हो। भाई साहब, मैं अगर ऑनेस्टी से बताऊं ना, तो ये मेरे लाइफ की पहली फिल्म थी जिसको देखने में गया ना तो मुझे नींद आ रही थी यार। अब सोचो, एक ऐसा बंदा जिसको फिल्में देखना काफ़ी पसंद है, और कहीं ना कहीं मुझे अक्षय कुमार ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई मैं हाफी ले रहा था। अपने आप को जगाना पड़ा कि यार फिल्म देखने आए हो, दर्शक के लिए कुछ बताना भी है इस फिल्म के बारे में। तो चलो, इस ईद में तो ये दोनों फिल्म रिलीज हुई, लेकिन जिनसे उम्मीद थी, जिनकी फिल्म ईद पर जब रिलीज होती थी तो ईद तो एक फेस्टिवल के रूप में लोग मनाते ही थे, और जब इनके फिल्म भी आती थी तो लोग भाई उस फिल्म को भी एक त्यौहार के रूप में बना लेते थे। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड का असली बाप यानी कि भाईजान सलमान खान। इस ईद में उनकी फिल्म रिलीज नहीं हुई। उन्होंने सोचा भाई कुछ तो रिलीज किया जाए ना, तो उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर का टाइटल अनाउंसमेंट का पोस्टर अपने इंस्टा अकाउंट पे उन्होंने पोस्टर डाल दिया था। उसको देखने के बाद जितने भी फिल्म रिव्यूअर है ना भाई, सबको तो लॉटरी लग गया। कोई ये कह रहे थे कि सिकंदर उन पे जचेगा, क्योंकि वो जितने बड़े बॉलीवुड के मेगा स्टार है ना, उनसे इंस्पायर्ड होगा ये सिकंदर का नाम। और कहीं ना कहीं आप सोच के देखो ना, सलमान खान यानी सिकंदर, मतलब सिकंदर का जो ओहदा होगा ना, मैं बात कर रहा हूँ वो वाला सिकंदर जो राजा महाराजा में आप लोग जानते हैं जिनको, वो होगा तो भाई वो तो फिल्म जब बनेगी तब पता चलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि किक जैसी मूवी बनेगी जिसमें इनका नाम होगा कैरेक्टर का सिकंदर, हो सकता है यार। जितने लोग होंगे, फिल्म का तो कुछ अभी अता पता नहीं है, सिर्फ टाइटल ही अनाउंसमेंट हुआ है, तो भाई लोग तो अंदाज ही लगा सकते हैं कि आखिर ये फिल्म बनेगा क्या और कहानी क्या होगी इसमें। ना तो इनके अलावा कोई अदर एक्ट्रेस की बात हो रही है, ना एक्टर की बात हो रही है, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहा गया है कि अगले साल ईद में सलमान खान को ईडी देने के लिए आप लोग तैयार रहें, उनकी फिल्म ईद 2025 को जरूर आएगी, ये भाई उन्होंने जरूर कह दिया है। तो भाई उम्मीद भी है उनसे, क्योंकि उन्होंने जितने भी फिल्में अभी करी है ना, वो जितने बड़े एक्टर हैं और जितनी बड़ी उनकी फिल्म हिट होती थी, वो हिट उनको मिल नहीं पाई है। टाइगर सीरीज का जो फ्रेंचाइजी था, उनसे बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, लेकिन ये जो टाइगर 3 फिल्म आई ना, ये भाई पता नहीं क्या हुआ इस फिल्म के साथ, लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, वो कमाई नहीं कर पाए। लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन जो कमाई होनी चाहिए थी वो कमाई नहीं हुआ। तो इसलिए भाईजान ने भी सोचा कि भाई अब कुछ रुक करके कुछ नई फिल्म के साथ दर्शक के बीच में आवे। और सबसे बेहतरीन बात क्या है ना कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं आर मुर्गुदास, और आपको पता ही है कि ये कितने बेहतरीन डायरेक्टर है और किन किन एक्टरों के साथ इन्होंने काम किया है और
किन किन एक्टरों के डूबते हुए करियर को इन्होंने बचाया है। तो भाई फिल्म तो शानदार होने वाली है, और ये कहा भी जा रहा है कि सलमान खान ने अभी तक जितने भी फिल्म करी है ना, सब फिल्म से इस फिल्म की बजट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो देखना यह है कि इस फिल्म से वही अपेक्षा लोगों की रहेगी जो उनकी पिछली फिल्म से रहती तो है, लेकिन जब रिलीज होती है तो भाई वो उम्मीद इतनी बुरे तरीके से टूटती है ना कि दर्शक के आंखों से आंसू तो नहीं निकलता है लेकिन दिल जरूर रोने लगता है। तो भाई ऐसा ना हो, तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो लगा लो कि भाई कुछ अच्छा तो होगा। तो चलो बस आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं वीडियो देख करके आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद। ओहो भाई गर्मी कितनी है देखो।